कहाँ ला हस दाई? कहाँ ला हस? तो बहुत दूर से आई हूँ। ऐसे क्या दाई थक गए हैं बड़ा बैग लेके? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग भिलाई से आ रहे हैं। अच्छा भिलाई से। चल ये भाई लोग देख, आप लोग कहाँ से आए भैया? नांदेड़ से आए हो? कितने दिन के लिए आए हो? 7 दिन। अच्छा ठीक। नमस्तुभ्यम। कहाँ ला था दाई? हम मनहा हसदा चिखला से आतन भैया। के दिन बरा हो दाई? अतेक बड़ बड़ मोटरल धरे हो? हम मनहा 7 दिन बरावा था। 7 दिन बरा था तो कथा सुने में कैसे लगते पंडित प्रदीप मिश्रा के? आनंद मिलते? लेवा तो जाओ कथा सुनाओ काली ले। हाँ। बढ़िया मजा से है। हाँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हिंद दोस्तों, मोर इंडिया ट्यूब में आप सभी का स्वागत। और मैं संजय वर्मा आप लोग को लेके आ गया हूँ कोड़िया के कथा स्थल पे। देख सकते हो मेरे चारों तरफ पीछे पंडाल है जो बन गया और एक दिन पहले से लोग यहाँ आ गए हैं। तो आइए ब्लॉग का मजा लेते हैं और ब्लॉग में बनते कंटिन्यू। चलते ब्लॉग की ओर। कहाँ ला था दाई? लांगा लावा था बेटा, सिंगानेर के लांगा। हाँ हाँ। के दिन बरा है? पूरा 7 दिन बरा। देख लो बड़ा बड़ा बैग लेके दाई मन आए हैं लांजा ले 7 दिन पर कथा सुने बर ले। ठीक है दाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम बेटा। हाँ देख सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ ला था वो? बेमेतरा ले। देख लो दूर दूर से आ रहे हैं तो कहते कहाँ ला दाई? बेमेतरा। ते हैं वो? बेमेतरा। ते हैं दाई? ये सब बेमेतरा वाले दूर दूर से आ रहे कथा सुने पर। कहाँ ला था? कहाँ? पारा। अच्छा बोझे पारा। हाँ। कौन जिला? बेमेतरा से। देख लो दूर दूर से लोग आ रहे कथा सुनने। देख लो बड़ा बड़ा बैग लेके आ रहे हैं। कहाँ से आया था भाई? रायपुर से। रायपुर? कहाँ से? यही भिलाई। अच्छा, कहाँ ला था दाई? रायपुर ले। हाँ दाई मैं रायपुर ले। दाई मैं कहाँ ला हस दाई? कहाँ ला था जो कथा सुने पर? भिलाई ले आया है दाई है। ते कहाँ ला हज गा बाबा कथा सुने पर? हाँ ये देख सकते हो बहुत बड़ा कथा स्थल है। यहाँ भीड़ तो नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा है कि पब्लिक भक्तगण सब कम पड़ जाएंगे लेकिन जगह कम नहीं होगा। और धीरे धीरे लोगों का आना चालू हो गया है। देख सकते हो पंडाल से बाहर का नज़ारा। ये पंडाल का है मुख्य पंडाल से और आगे पे लगा ये पंडाल। देख सकते हो खूबसूरत नज़ारा। देख सकते हो दोस्तों सभी लोग पहले से आके बुढ़िया बिस्तर ले लिए हैं और कथा गाना बजाना चालू हो गया है। देख सकते हो यहाँ चाय पानी पी रहे रसपान खूबसूरत। मुख्य पंडाल का नज़ारा है दोस्तों। सबका बैग बोरिया बिस्तर जगह सब जब्त कर लिए हैं ताकि अच्छे से कथा का आनंद ले लें क्योंकि मुख्य पंडाल से कथा सुनने का मजा ही अलग है। देख सकते हो अभी मुख्य पंडाल पूरी तरह से भरा नहीं है जैसे बाकी कथा स्थल में भर जाता था। यहाँ का नहीं भरा है क्योंकि बहुत बड़ा कथा स्थल है। और देख सकते हो ये जो भी आसपास के लोकल ग्रामीण लोग हैं खूबसूरत सजावट। ऊपर का भी नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ। देख सकते हो ये देख सकते हो दोस्तों अभी मुख्य पंडाल कंप्लीट नहीं हुआ है और कल से कथा होना है और क्रेन ला के मुख्य पंडाल को आगे बढ़ाया जा रहा है। 4 कॉलम और आगे बढ़ाएंगे वाला कॉलम को धीरे धीरे खड़ा करेंगे। आज दिन रात करके कल सुबह तक कंप्लीट करना और ये मुख्य अतिथि लोग का आना जाना चालू हो गया है। आप लोग देख सकते हो कोड़िया कथा स्थल शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी का चारों तरफ का नज़ारा। शाम हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे शाम हो रहा है पंडाल भरना चालू हो गया है। देख सकते हो मुख्य पंडाल में आना चालू हो गया है ये रास्ता। हेलो ये देख लो खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बड़ा बड़ा LED लगा है सभी तरफ। ये पंडित जी का मुख्य पंडाल। पंखा भी ऊपर देख सकते हो हजारों पंखा लगे हैं एक एक डोम सेट के अंदर। खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। और अभी मुख्य पंडाल के बगल में जो डोम सेट होता है वो खाली है तो जितना जल्दी आओगे
उतना जल्दी जगह पाओगे, आप लोग देख सकते हो। घूम घूम के आप लोग को मैं ब्लॉग बना के यहाँ का मजा से दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मुख्य पंडाल भरना शुरू हो गया है। अभी अभी खाली है मुख्य पंडाल। आप लोग जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी हम जगह पाओगे। ये सब आपस आसपास के लोकल ग्रामीण लोग हैं जो आ गए हैं, लेकिन जगह भी बहुत है, फुल जगह है। बहुत बड़ा पंडाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कथा स्थल ग्राम कोड़िया। ये आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, खूबसूरत सजावट। और ये वाला पंडाल अभी काम बाकी है और इसमें अभी लोग नहीं आए हैं, देख सकते हो। ये देख सकते हो मुख्य पंडाल, जहाँ व्यास गद्दी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचन करेंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। इधर देख सकते हो मुख्य पंडाल, खचाखच भीड़ है। अभी एक दिन पहले ही मुख्य पंडाल पैक हो जाता है। और ये मुख्य अतिथि लोग के लिए है, देख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों यहाँ का नज़ारा। अभी टेंट बहुत खाली है, अभी लोग नहीं आए हैं। मुख्य पंडाल अभी भरा है और बड़ा बड़ा LED लग चुका है, देख सकते हो चारों तरफ। तो आइए और आगे चलते और अंदर से और देखते हैं। तो दोस्तों, मोर इंडिया ट्यूब में आप सभी ने देखा आज का ब्लॉग, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा स्थल ग्राम कोड़िया, जहाँ का आप लोग को जानकारी दिया। कल 7 तारीख से कथा होना है। तो आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल मोर इंडिया ट्यूब को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।